जब भी हम पतंजलि का नाम सुनते हैं तो हमें केवल बाबा रामदेव ही याद आते हैं। हैरानी की बात यह है कि पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव नहीं है, पतंजलि के असली मालिक आचार्य बालकृष्ण हैं। उनके पास पतंजलि में 94% हिस्सेदारी है और बाकी 26% हिस्सेदारी एक व्यक्ति के पास है जिसने 2007 में बालकृष्ण को 60 करोड़ रुपए उधार दिए थे। बाबा रामदेव पतंजलि का चेहरा है और उन्हीं की वजह से आज पतंजलि की सालाना कमाई 9000 करोड़ रुपए है। ये फैक्ट जाकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।